हेलो फ्रेंड्स, ये है Adobe Illustrator का बेसिक टिप्स ट्यूटोरियल और आज हम बात करेंगे पेन टूल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। सब्सक्राइब करें क्रिएटिव आर्ट चैनल को, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वेलकम बैक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पेन टूल और पेन टूल के साथ कुछ तीन और ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन के वीडियो में मैंने बताया था, ये जो ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ भी काम करता है, पेन टूल के साथ भी काम करता। तो पेन टूल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? पेन टूल के साथ हम किसी भी तरह का कोई शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी शेप हम ड्राइंग कर सकते हैं और हम ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेन टूल किस तरह से हम यूज करेंगे। नाउ समटाइम्स ऐसा लगता है कि पेन टूल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है। आप थोड़े से प्रैक्टिस के साथ अगर इसको रोज प्रैक्टिस किया करें, थोड़ा सा इसको वक्त दिया करें, तो ये बहुत ही ईजी लगेगा आपको। नाउ सिंपली अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक पॉइंट बन जाता है और ये देखिए इसके साथ एक लाइन सी चल रही है। पुराने वर्जनों में ये नहीं होता था, ये मैं यूज कर रहा हूँ 2018 का सीसी वर्जन। तो ये जो लाइन चल रही है ये पुराने वर्जन में नहीं होता था। तो जैसे हम सेकेंड टाइम हम क्लिक करते हैं एक और पॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो दो एंकर पॉइंट है, दो एंकर पॉइंट के बीच में ये लाइन है और जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे एक एंकर पॉइंट और क्रिएट हो जाएगा और एक लाइन और आ जाएगी और एक और हम क्लिक करेंगे तो एक और लाइन आ जाएगी। एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, आप कोई भी कुछ भी ड्रॉ करते हो उसे जब तक आप चारों तरफ से उस पाथ को बंद नहीं करोगे वो शेप कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं यहां से मैंने स्टार्ट किया था इस एंकर पॉइंट से, यहां से क्लिक करता हुआ आया और वापस इसी स्टार्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए ये एक शेप मेरा कंप्लीट हो गया। तो पेन टूल कुछ इस तरह से काम करता है, आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हो तो उसे आपको उसके पाथ को क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करने के बाद ही आपका एक शेप कंप्लीट होगा। उसके बाद आप चाहो तो उसमें कोई भी कलर फील दे सकते हो कुछ इस तरह से। नाउ इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि किसी भी पाथ को जब तक क्लोज नहीं करते वो एक लाइन में रहता है। मैं कुछ इस तरह से अगर क्लिक करता हुआ जाऊं और मैं जब उस पाथ को क्लोज करता हूं तो ये देखिए ये पेन टूल का इसमें कर्सर में छोटा सा गोल एक इशारा आ जाता है, इसका मतलब कि आप पाथ क्लोज कर रहे हो। और जैसे मैं क्लिक करता हूं ये पाथ क्लोज हो जाता है और ये एक शेप बन जाता है। तो किसी भी शेप को बनाने के लिए उसके पाथ को क्लोज करना जरूरी है। नाउ मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा और मैं फिर से पेन टूल सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए आपको अगर स्ट्रेट लाइन अगर क्रिएट करना हो
मैंने यहाँ क्लिक किया और स्ट्रेट लाने के लिए मैं शिफ्ट की प्रेस कर देता हूँ। देखिए ये मैंने पेन टूल को इस लाइन से दूर रखा है, ये देखिए दूर रखा है तब भी ये स्ट्रेट जा रहा है। और स्ट्रेट लाइन लाने के लिए आपको शिफ्ट की प्रेस करना पड़ेगा। एक चीज का और ध्यान रखिए, व्यू में जाइए और स्मार्ट गाइड या कंट्रोल यू प्रेस करके भी आप स्मार्ट गाइड को इनेबल कर सकते हो। तो मैं शिफ्ट की प्रेस किया और स्ट्रेट एक लाइन मैंने क्रिएट किया। अब सेकंड मैं फिर से शिफ्ट की प्रेस करता हूँ और कुछ इस तरह से मैंने क्लिक किया। फील को मैं अभी फिलहाल नन कर देता हूँ और यहाँ क्लिक किया मैंने स्ट्रेट ले आने के लिए, फिर से मैंने शिफ्ट की प्रेस करके ही रखा और फिर शिफ्ट की प्रेस करते हुए स्टार्ट पार्ट पे वापस आया। तो एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। नाउ अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, देखिए पेन टूल में हमें क्या करना होता है, कर्व ड्रॉ करने के लिए क्लिक किया। अब देखिए सेकेंड टाइम हम जब क्लिक करते हैं तो माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज नहीं करते हैं, हमें सिर्फ ड्रैग करना है। अगर हम नीचे की तरफ अगर मैं इस माउस के पॉइंट को ले जाता हूँ तो देखिए कर्व ऊपर की तरफ बनेगा और साथ में ये देखिए हैंडल आ रहा है। इस हैंडल को अगर मैं कर्व मुझे नीचे की तरफ चाहिए तो मैं इस हैंडल को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से कर्व आएगा। मैं फील को नन कर देता हूँ। सेकंड जब हम इसमें फिर से क्लिक करते हैं, देखिए मैंने फिर से क्लिक किया और फिर से उसने कुछ इस तरह से एक कर्व शेप बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये कर्व ना आए, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन आए, तो स्ट्रेट लाइन के लिए जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पेन टूल को ले जाके, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये तो दो हैंडल है, ये ऊपर वाला हैंडल क्लोज हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए ऊपर वाला हैंडल क्लोज हो गया। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट ले जा सकते हैं। स्ट्रेट ले जाने के लिए फिर से वही शिफ्ट की प्रेस किया, स्ट्रेट लाइन, फिर से शिफ्ट की स्ट्रेट लाइन और फिर से शिफ्ट स्ट्रेट लाइन। और फिर से अगर मुझे कर्व लाना है तो मुझे जहां तक उसको कर्व ले आना है वहां पर क्लिक किया और फिर से ड्रैग किया कुछ इस तरह से। और फिर अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, फिर से मैं उस पॉइंट पे, उस एंकर पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा तो एक हैंडल जो है उसका बंद हो जाएगा और मैं अब स्ट्रेट ले जाऊंगा। तो ये देखिए मैंने इस पाथ को पूरी तरह से बंद कर दिया तो ये एक शेप क्रिएट हो गया। अब अगर मैं कुछ इस तरह का एक शेप बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको क्लोज ना करूँ, इस पाथ को ओपन ही रखना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये अभी भी लाइन मेरे पेन टूल के साथ चल रहा है। इसलिए इसको अगर इससे पीछे छुड़ाना है तो आपको स्केप प्रेस करना पड़ेगा। स्केप प्रेस कर दोगे तो ये लाइन नहीं आएगा। मैं अब इन सब को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब कुछ और नया कुछ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए मैं अगर इस तरह से एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, नाउ एक चीज पे हम ध्यान दें, ये देखिए इस एंकर पॉइंट में दो हैंडल आ रहे हैं, ये ऊपर वाला हैंडल इस लाइन को कर्व कर रहा है और ये जो नीचे वाला हैंडल है ये आने वाले लाइन को कर्व कर रहा है। अगर मैं सेकंड इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस
लाइन को इस हैंडल ने कर्व किया हुआ है। अब देखिए मैं ऑल्ट प्रेस करके अगर इस कर्व को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। पेन टूल के साथ तीन और ऑप्शन हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल। तो सेम ये पेन टूल के अंदर भी होते हैं। अगर मैं इसमें इस कर्व को थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं एल प्रेस करके, जैसे ही देखिए मैं एल प्रेस करता हूँ, ये देखिए पेन टूल का जो आइकन है वो चेंज हो जाता है और एंकर पॉइंट टूल में बदल जाता है। ये देखिए एंकर पॉइंट टूल, इसका आइकन देखिए, और जैसे ही मैं एल्ट प्रेस करता हूँ ये एंकर पॉइंट टूल में बदल जाता है। अब मैं इसके हैंडल को पकड़ के किसी भी तरह का मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ, मैं ये कर्व नहीं चाहता हूँ, स्ट्रेट लाइन चाहता हूँ। तो सिंपली मैं एल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है। कंट्रोल जेड करेंगे, अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं कुछ और ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपली एक लीफ की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, हाफ लीफ। अब देखिए लीफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अगर मैं सेकंड ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ तो ये शेप कुछ ठीक नहीं है, ये लीफ की तरह नहीं है। कंट्रोल जेड अंडू करेंगे। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे। देखिए मैंने जैसे क्लिक किया एक हैंडल तो है, दूसरा हैंडल बंद हो गया है, इसका मतलब हम उसे स्ट्रेट ले जा सकते हैं। अब स्टार्ट पॉइंट में जैसे हम ले आएंगे और ले जाके मैंने क्लिक किया और रिलीज नहीं करेंगे और इस तरह से मैंने ड्रैग किया तो देखिए एक और हैंडल आ गया इस तरह। अब मैं अगर आप इस हैंडल से कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो सिंपली एल्ट की प्रेस करोगे और उस पर भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ और ड्रॉ करके आपको दिखाऊं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अब देखिए मैं एक सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो एंकर पॉइंट है यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, चार एंकर पॉइंट है। अब इस एंकर पॉइंट को अगर आपने डिलीट करना है तो फिर आप कैसे करोगे? ये देखिए पेन टूल लिया मैंने, सिंपली जैसे ही मैं पेन टूल उस एंकर पॉइंट के ऊपर ले जाता हूँ तो आप देखिए एक माइनस का आइकन आ जाता है। ये देखिए इसका मतलब है कि आप इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया ये डिलीट हो गया। सेकेंड टाइम अगर हम फिर से करेंगे तो देखिए लाइन आ गई। तो इस तरह से हम एंकर पॉइंट को भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब बात आती है एंकर पॉइंट ऐड करने की। सिंपली ये एक लाइन है, ये देखिए थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैं पेन टूल लेता हूँ, कोई अगर एंकर पॉइंट आपने ऐड करना है तो मैं इसके सेंटर में कोई एंकर पॉइंट ऐड कर देती हूँ। मैंने एक क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। तो पेन टूल के अंदर ही बाकी ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल, ये पेन टूल के अंदर ही होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ट्रेसिंग किस तरह से की जाती है। तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल और प्रेस किया और डिलीट रिमूव करेंगे। नाउ अब हम एक रास्टर इमेज इंपोर्ट करेंगे। फाइल में जाएंगे, प्लेस में क्लिक करेंगे और मैं एक रास्टर इमेज को इंपोर्ट करके लेके आता हूँ। ये एक सिंपल सा इमेज है जिसे मुझे
ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको एम्बिट करेंगे। यहाँ देखिए ये एम्बिट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करते ही ये एम्बिट हो जाता है। अब सबसे पहली बात कि इसको हमें लॉक करना है। जब भी हम इसको ट्रेस करेंगे उससे पहले हमें इसको लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और लॉक सेलेक्शन, और ये लॉक हो गया। अनलॉक करने के लिए सिंपली फिर से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और अनलॉक कॉल कर देंगे। पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसे लेयर से लॉक करें। सेलेक्ट करेंगे, लेयर में जाएंगे, सिंपली आप देखिए ये आई का आइकॉन है, इसके साथ में ही हो पे जब भी हम क्लिक करेंगे ये देखिए एक लॉक का आइकन आ जाता है। इसका मतलब ये लॉक हो चुका है, ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। पर उससे पहले मैं इसको पैसिटी इसकी कम कर दूँ, अच्छी तरह से ट्रेसिंग की जाए। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और पैसिटी में जाऊँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद पैसिटी में जाएंगे और इसको पैसिटी को लगभग मैं हाफ रखूँगा 50, ताकि मैं अच्छी तरह से इसको देख पाऊँ और इसको ट्रेस कर पाऊँ। अब मैं फिर से लेयर में जाऊँगा। नाउ अब हम इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे न्यू लेयर में और न्यू लेयर क्रिएट हो गया। अब हम इसमें ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ और मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ पी प्रेस करके, या फिर यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ क्लिक किया। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी कर्व है उसको हाफ में ड्रॉ करें। देखिए ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, तो हमें क्या करना है इसके हाफ तक, यहाँ तक लाना है और इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। मैं फील को नन कर देता हूँ, सिर्फ स्ट्रोक रखेंगे, सिर्फ स्ट्रोक रखा है मैंने। और सिंपली मैं फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए इस हैंडल को बंद कर दूंगा। मैं इस एंकर पॉइंट में क्लिक करूंगा और ये हैंडल हट जाएगा। अब मैं यहाँ तक लाता हूँ इस कर्व के हाफ तक और इसको इस तरह से ट्रैक करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस कर्व में आएंगे। अब इस कर्व में आने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा परफेक्टली ट्रेस नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं मुझे फिर से इस हैंडल को बंद करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से मैं इस कर्व को ड्रॉ करूँगा फिर से, और मैं कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग करें। एक चीज़ और, अगर ये शेप उतना अच्छा नहीं बन रहा है तो उसकी चिंता ना करें, बाद में आप डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं सिंपली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस शेप को कंप्लीट करने के लिए। मैं यहाँ क्लिक करूँगा या फिर इसके हाफ तक, कि इसके हाफ तक मैं अगर इस तरह से लेके आया तो काफ़ी स्मूथ एक कर्व हमें मिल जाता है। और इस तरह से मैंने इसको फिर इस तरह से, और
ये देखिए ये काफी बड़ा एक कर्व आ रहा है, तो इस बड़े कर्व को हाफ ही करना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हाफ ड्रॉ किया और फिर कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ करूँगा सिंपल, मैं इस तरह से, और अब यहाँ देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ तो शेप कुछ ठीक नहीं आए। कंट्रोल से अंडू करेंगे, देखिए इस हैंडल को बंद करना ज़रूरी, मैं इसको बंद करता हूँ और फिर से मैं ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरह से, फिर से क्लिक करेंगे और फिर से एक नया कर्व ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरह से, और फिर स्टार्ट पॉइंट में जाना जरूरी है। स्टार्ट पॉइंट में जाते स्टार्ट क्लोज जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा शेप कंप्लीट नहीं होगा। अब आ जाते हैं इस शेप में, फिर से मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ पी प्रेस करके, और मैं कुछ इस तरह से, मैं काफी जल्दी कर रहा हूँ, कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप ट्रेस करें थोड़ा आराम से। मैं इस ट्यूटोरियल को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको जल्दी कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से और इस तरह से, कुछ इस तरह से, फिर इस कर्व को हाफ में लेंगे, मैं इसको हाफ में लेता हूं और इसको यहां तक लेके आता हूं, इसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर इस कर्व को फिर से हाफ में लेने के लिए क्लिक किया, यहां तक ड्रॉ किया, फिर स्टार्ट पॉइंट में वापस जाएंगे, हमारा जो शेप था वो कंप्लीट हुआ। ज़ूम आउट करेंगे, अब जो शेप आपको ठीक नहीं लग रहा है आप उसको भी ठीक कर सकते हो, सिंपली उसको कुछ नहीं करना है, आपने उस शेप को आपने कलर फील देना है। तो पहले हम उस शेप को ठीक कर लेते हैं, मैंने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से स्मूथ टूल ले लेंगे और इसको स्मूथ कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरह से, और मैं इस शेप को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला शेप सेलेक्ट होगा और फिर हम इसको स्मूथ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा स्मूथ इसको भी कर देते हैं, इसको भी मैं स्मूथ कर देता हूँ, पहले सेलेक्ट करेंगे और स्मूथ यहाँ से थोड़ा सा ओके, यहाँ से कर्व कर देंगे थोड़ा सा ओके, ये ठीक है। ज़ूम आउट करेंगे और कोई भी कलर मैं ले लेता हूँ, मैं रेड ले लेता हूँ, पहले स्ट्रोक को हटा देंगे, फील को सिलेक्ट करेंगे रेड और इसमें ब्लू कर देंगे ब्लू और फिर से रेड,
एक्सेप्ट। उसके बाद फिर से हम लेयर में जाएंगे और ये जो हमारा इमेज था उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको पहले अनलॉक करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। तो पकड़ के उसको आप यहाँ ट्रैक करते हुए लाके छोड़ देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल पेन टूल के ऊपर। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि पेन टूल किस तरह से यूज होता है, किस तरह से आपको यूज करना चाहिए। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करके एक अच्छी तरह से इस टूल को यूज़ में ला सकते हो। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी तरह का इश्यू हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगले Adobe Illustrator के बेसिक टिप्स ट्यूटोरियल में हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।